सबसे पहले मैं आज चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये बाबा साहब के विचारों की जीत है। और जो बाबा साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले जो मेरे साथ विधायक जो है 50-13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है, इतना ही मैं कहूँगा। और जो चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है वो विधायक, वो सांसद, ये बहुमत हमारे साथ है। और ये बहुमत हमारे साथ होने की वजह से ये चुनाव आयोग ने ये मेरिट के ऊपर निर्णय दिया है। अब जब निर्णय उनके बाजू में होता है तो चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था अच्छी है, लोकशाही अच्छी है। जब उनके खिलाफ निर्णय होता है तो लोकशाही खतरे में, ये ऐसा कैसे कहा जा सकता? उद्धव ठाकरे आपको चोर कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे आपको कह रहे हैं। हाँ बाबा, अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है, अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष बाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को, बाला साहब के विचार और ये धनुष बाण ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी क्या इतना चिंतित? मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक बहुत ही पवित्र काम किया है उन्होंने। तो चुनाव आयोग ये जिन जो आज कहते वो तो धनुष्यबान रहा कि गया, उसके कोई उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जब चुनाव बाई इलेक्शन मुंबई का जब चुनाव लड़ा था तभी बोले थे उन्होंने। लेकिन हमें ये धनुष्यबान जो है और शिवसेना पार्टी जो है, सच्ची शिवसेना पार्टी कौन है जिनके पास बहुमत है? तुम प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते, संपत्ति के मालिक हो सकते, पार्टी के और विचार और धारा के मालिक नहीं बन सकते। हम आप लोगों ने उन्होंने विचारधारा बाला साहब की भूमिका को बेच दिया है, चोरी तो उन्होंने की है। इसलिए मैं कहूंगा आप संपत्ति के मालिक बनो, पार्टी के मालिक बनो, अगर उनके विचारों पे अगर चलते तो भी आपको हक होता, आपने वो हक गवाया है 2019 को, ये मैं कहूंगा। हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा कहीं ना कहीं ये बैकफायर कर गया उद्धव ठाकरे को, हिंदुत्व छोड़ दे। देखिए हमारी भूमिका स्पष्ट है, बाला साहब के विचार को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए बाला साहब के विचार जो भूल गए उनको एक बहुत बड़ी सबक है, एक चपराक है। सर क्या इतना चिंतित नया शिवसेना पक्ष प्रमुख है कि क्या इतना चिंतित नया शिवसेना पक्ष प्रमुख फैसले को चुनौती देंगे आगे ये, और हाँ सुप्रीम कोर्ट? ये तो लोकशाही में हर एक का अधिकार होता है, वो अधिकार में जो भी जहाँ जा सकते हैं, लोकशाही में सब बराबर है। इस फैसले से क्या आपको लगता है कि बाकी जो लोग अभी भी थोड़ा सा सोच विचार में थे अब संख्या और बढ़ेगी आपकी? नहीं देखिए, ये जब 6-7 महीने पहले सरकार का गठन हुआ है तब से लोग जुड़ रहे हैं, रोजाना जुड़ रहे हैं, हर जिले के हर तालुका के लोग जुड़ रहे हैं। उनको ये उनको क्योंकि हम लोगों ने जो भूमिका जाहिर की है, जो वैचारिक बाला साहब की, आनंदीगे साहब के विचार हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, विचारधारा को बढ़ा रहे, इस राज्य का विकास कर रहे। कितने निर्णय हम लोगों ने लिए 6 महीने में, जो 2.5 साल में पूरा बंद था कारोबार, हम शुरू कर दिए, लोगों को दिख रहा है तो लोग जुड़ रहे, उनको विश्वास हो रहा है हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर। मैं और देवेंद्र जी हम काम कर रहे और बड़े बड़े निर्णय ले रहे और इसी के लिए तो लोग जुड़ रहे। अभी जो काम नहीं करने वालों के साथ कैसे रहेंगे लोग, जो काम करने वालों के साथ ही जाएंगे लोग। वो कह रहे कि मोदी जी देश में तानाशाही लाई जा रही है और मोदी जी का नाम चलता नहीं महाराष्ट्र में, इसलिए बीजेपी इस्तेमाल कर रही है आप लोग। देखिए
मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका पिट रहे। अभी अभी जो कोई सर्वे हुआ ग्लोबल, उसमें दुनिया में नंबर एक पे कौन है? मोदी जी है। क्यों जलते हो? सच्चाई कबूल करो। और ऐसे बोलने से मोदी जी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता कम नहीं होने वाली। और ये जो सच्चाई है, सच्चाई है, उनको ऐसी जरूरत नहीं है। राज ठाकरे ने और कहा है कि शिवसेना शब्द का असली अर्थ आज पता चला है। सही बात है उनका। पार्टी का प्रमुख कौन है आपकी पार्टी का प्रमुख कौन है? सही में राज ठाकरे साहब ने सही कहा है, क्योंकि वो तो मेरे से ज्यादा वो जानते हैं, उनको करीब से जानते हैं, जिन्होंने बाला साहब के साथ काम किया, उस वक्त पार्टी को बढ़ाया, उनको भी निकाल दिया था। तो ये सब जो है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इतना ही मैं कहूँगा, चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है ये मेरिट के अनुसार है। जिनके पास बहुमत है, जो चुनाव में जीत, जिनकी जीत हुई है, लाखों लोगों ने उनको वोट किया है, वो ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने निर्णय दिया है। बाकी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।